कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों गुटका साहिब हाथ च फड़ के बेअदबी दे दोषियों नूं उहनां दे अंजाम तक पहुँचाउण दा वादा कीता गया सी, पर साढ़े चार साल जांच चली, केस चले अते नतीजा निकलिया कुछ भी नहीं। दोषी बाहर तुरे फिरदे ने। सुमेध सिंह सैणी दे केस च वी हाले कुछ निकल के सामने नहीं आया अते उहनां नूं ब्लैंकट बेल भी मिल गई आ। हुण आम आदमी पार्टी दे विधायक कुलतार सिंह संधवा ने नवें बने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं करड़े हत्थी लिया अते कहा कि कांग्रेस पार्टी बेअदबी दे दोषियों नूं सज़ा दवाउण दी गल कह के उहनां दे मोढ़ियां ते बंदूक रख के सियासत खेड रही आ। उन्हें कहा कि जेकर चन्नी वाकई ही बेअदबी दे दोषियों नूं सलाखां दे पिछे धक्कणा चाहुंदे ने तां सुमेध सिंह सैणी नूं ब्लैंकट बेल दवाउण वाले वकील APS देओल नूं अटॉर्नी जनरल क्यों लगाया गया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हुण भी पंजाब कांग्रेस बेअदबी दे दोषियों नूं बचाउण दी कोशिश कर रही है। की कहा इस मौके कुलतार सिंह संधवा ने, आओ सुनते हैं। पंजाब दे अंदर बेअदबियां हुईयां, बेअदबी भावें पवित्र गीता दी होई, मुकद्दस कुरान दी होई, सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी होई, इहदे ते सिर्फ ते सिर्फ हुण तक सियासत कीती, पहला बादल दल ने कीती, हुण कांग्रेस करदी आ रही है पौने पांच साल तों। और बेअदबी नूं बड़ा वड्डा प्लैंक बना के कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पासे भी कीता गया, लांबे भी कीता गया, ते हुण चन्नी साहब ने एक नवा ही शगुफा करता जेड़ा कि कानूनन भी ठीक नहीं है, जिथे कन्फलिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की गल भी बनती है। सुमेध सैणी का वकील जिन्हें उन्हू बेल दवाई और ब्लैंकेट बेल दवाई जेड़ी बहुत घट लोगों मिलती है, APS देओल उन्हू एडवोकेट जनरल ला दिता गया है। कि असी हुण उम्मीद कर सकते हैं कि जेड़ा मुख शक्की होवे, जिहदे ते पूरा वड्डा शक होवे कि गोली चलाउण दा हुक्म उस वेले दे DGP तों थल्ले नहीं आया होना, उस DGP दे वकील नूं एडवोकेट जनरल ला के कि असीं उम्मीद कर सकदे आ कि बेअदबी दे जिहड़े सही दोषी आ जां बेअदबी दे विच सानूं न्याय दी कोई उम्मीद रह गई है, सानूं उम्मीद ना सानूं न्याय मिल जाएगा, इह ते बहुत वड्डा सवालिया चिन्ह है जिहनूं हुण पंजाब दे लोक देखणगे, क्योंकि 90 दिन रह गए। हुण पंजाब दे लोकां ने बादलां नूं तां सबक सिखाया ही है, इस कांग्रेस नूं भी सबक सिखाउणगे।